ये जो कार्टून वाला दोस्तों था ऐसा सोया हुआ था, मतलब इसको चाहिए नहीं था माल, माल नहीं चाहिए तो मंगाए क्यों यार। अब ऐसा क्वेश्चन उसे जाके कोई दो तबड़ा देना तो दिमाग उस पर आ जाएगा यार। 6 से 7 बजे तक रात को दुकान यहाँ पे बंद होती है, वो साला 3 बजे बंद करके भाग गया। स्वागत है सभी के ट्रक ड्राइवर ब्लॉग्स के नए सबसे वीडियो में दोस्तों। अभी हम जाने वाले हैं, अभी घर से निकल रहे हैं दोस्तों। अभी टाइम आपको हो चुका है 9:30 और यहाँ से दोस्तों हम निकल रहे हैं पटना के लिए। हम तो दोस्तों रात का व्यू आपको दिखाते जाऊँगा और आरा और पटना कोइलोर ब्रिज ये सभी दिखाऊंगा। तो ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, फुल वॉचिंग कीजिएगा दोस्तों। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ से अब निकलते दोस्तों। खाना वगैरह अभी हमने कर लिया है और छोटू को कर देते हैं बाय बाय। ये रहा हमारा छोटा सा भतीजा, तो इसको बोल देते हैं बाय बाय। देखो ये खेल रहा है, अभी तक जगा हुआ है, सोया नहीं है अभी बिल्कुल भी, मतलब ऐसा इतना शैतान हो गया अभी। सो जा। तो दोस्तों यहाँ से हम अभी निकल रहे हैं और बाइक लेकर भैया खड़े हैं, तो गाड़ी के पास जाते हैं अपने और वहाँ से आपको ब्लॉग का व्यू आपको दिखाते हैं दोस्तों। एक बात और, अगर आपको होम ब्लॉग चाहिए हमारा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, होम ब्लॉग बनाऊंगा। नहीं तो आप तो दोस्तों यहाँ से अभी गाड़ी पे हम बैठ के जाने वाले हैं मोटरसाइकिल से। यहाँ से थोड़ा दूर पे गाड़ी खड़ी है ना इसके लिए, तो चलो। यहाँ पे पेट्रोल पंप है और यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी कर चुके हैं हम, तो अभी निकलने वाले हैं। तो रात का व्यू आपको पूरा फुल दिखाऊंगा दोस्तों, और वो रही हमारी सामने जो गाड़ी खड़ी है अंधेरे में। तो दोस्तों क्या सीन अभी है ना कि मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहा था मैं और अभी जा रहा हूँ सोने, क्योंकि भाई नींद बहुत ज़ोर से लग रही थी। और अभी पापा ड्राइव कर रहे हैं भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए आगे का व्यू आपको नहीं दिखा पाऊँगा, इसके लिए भाई सॉरी। लेकिन उससे उधर से आते वक्त आपको जरूर से ज़रूर दिखाऊँगा भाई। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का बज चुका है हमारा 4:30 और अभी पटना में हम इंटर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दिन इधर फ्रेश होने वाला है अभी। और कुछ ही टाइम में दोस्तों 5 बजने वाला है, तो आप ये पटना के अंदर अभी इंटर किए हैं जस्ट, तो आप व्यू यहाँ का दिखते जाइए भाई। अभी नींद मेरे को जैसे ही मैंने दाना पुराया ना, तो दाना पुराने के बाद मैं नींद अपने आप ही खुल गया, तो आप इसका व्यू यहाँ का देखते जाइए। और दोस्तों पटना को आपको थोड़ा बहुत दिखा ही दूँगा, घुमा ही दूँगा दोस्तों। तो रोड का व्यू आपको देखे जाइए, और ये सभी बिल्डिंगें पटना की है, तो पटना शहर पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं पुराना नाम इसका। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल जाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, पहले दोस्तों बहुत जाम दिखाई देता था, और दिन में भी तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा जाम रहता है भाई। तो आपको दिन का व्यू दिखाऊंगा दोस्तों, अभी इन्जॉय कीजिए वीडियो को। तो अभी हम पहुंचे हैं पटना का निसाबाद में भाई, रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए ब्लॉग नहीं शुरू कर पाया। लेकिन दोस्तों ये इधर से जाते वक्त आपको कोइलवर और आरा का कुछ बहुत ज़्यादा व्यू दिखाऊंगा, जो नया 4 लेन बन रहा है वो सभी व्यू दिखाऊंगा दोस्तों, और पटना भी थोड़ा बहुत घुमाऊँगा। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। और अभी तो दोस्तों आपका 10 बजने वाला है सुबह का, और अभी तक पार्टी वाले के पास फ़ोन किया था तो बोल रहे थे 10 बजे के बाद से मतलब लेबर लोग आ जाएंगे, तो आप आइएगा उधर बुलाएंगे खाली करने के लिए। अभी तक माल खाली नहीं हुआ है, अभी पर यहीं पर रुके हुए हैं। अभी देखते हैं भाई आगे क्या होता है यार, अभी मुंह वगैरह भी नहीं धोए हैं और देखते हैं। अभी यहाँ से थोड़ा आगे दूर जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है खाली करने के लिए माल। पहला माल खाली हो जाए ऊपर वाला कार्टून, उसके बाद ड्रम खाली होगा, तो उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस एक तो माल खाली होना चाहिए ना दोस्तों। बस देखते हैं कब तक खाली होगा होता है, तो ब्लॉग साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। तो भाइयों यहाँ से अभी निकल कर रहे हैं हम, और अभी फ़ोन आया था भाई दूसरे पार्टी वाले के पास, वो बोले कि आ जाओ आपको खाली कर, भाई वही परेशान किए थे 2-3 दिन से भाई, फ़ोन कर रहे थे। तो हम निकल चुके हैं निसाबाद से, थोड़ा सा पहाड़ी पे जाना है, मतलब यहाँ से मैप दिखा रहा था 8 किलोमीटर भाई, वो उन्होंने लोकेशन जो भेजा था हमारे को
तो अभी जा रहे हैं वहीं पे। और भाई जो फर्स्ट पार्टी था वो, उसको माल चाहिए नहीं, मतलब बिल्कुल माल नहीं चाहिए भाई। कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, बोल ही नहीं रहा है, खाली होगा या नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कैसे भाई मुश्किल करके, ऊपर से उसका माल है दोस्तों, ये भी एक मुसीबत ही है। तो यहाँ से देखते जाइए बख्तियारपुर 50 किलोमीटर, ये राजगीर 93 किलोमीटर, ये बिहार में ही सब पड़ता है दोस्तों। और रांची तो आप जानते हैं झारखंड में है। तो यहाँ से देखिए दिल्ली में जो हमारा पटना मेट्रो का काम यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। पटना मेट्रो यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो रहा है, चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत जाम इस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी दोस्तों सुबह का टाइम, इसलिए जाम नहीं दिख रहा है अब। तो दोस्तों अभी टाइम दोस्तों 11:30 हो रहा है दोपहर का। तो यहाँ से देखते ही व्यू यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं पटना का पार्किंग है, इसी में दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर भी है। तो पटना का ट्रांसपोर्ट नगर का व्यू आप यहाँ पे देखिए, मतलब आइएगा तो गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग है दोस्तों। 100 रुपये लोडिंग गाड़ी का लगता है और 50 रुपये खाली गाड़ी का लगता है, तो इसके आसपास 10 चक्के का लगता है दोस्तों। और ये देखिए मतलब ट्रांसपोर्ट नगर का व्यू, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ दिख जाएंगी। यहाँ पर अक्सर थोड़ा बहुत जाम लगा ही रहता है दोस्तों हमेशा। तो ये रहा भाई सीन यहाँ का। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं, लेकिन दोस्तों ये पटना का जाम देखिए, मतलब कि भयंकर जाम लगा है यार। शायद दोस्तों भयंकर जाम इसलिए लगा है क्योंकि आगे में रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो रहा है। रोड दोस्तों बन रहा है और हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट मार के, उधर ही हमारा रोड बन रहा है दोस्तों। बहुत भयंकर जाम लगा है यार। तो दोस्तों चलो, मतलब अभी ड्रम तो फिर नीचे वाला जो माल है वो खाली हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला माल का कोई भरोसा नहीं है भाई, कब खाली करेंगे कब नहीं। हवा भी तेज़ चल रही है यार, पता नहीं बारिश होगा या नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी बारिश होगी तो। अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी देखिए टाइम हो गया आपका 4:30 हो रहा है यहाँ पे, और बादल चारों तरफ घेर हुए हैं और बारिश ही बारिश हो रही है, मतलब थोड़ा बारिश हो रही है जिसमें हमारा कार्टून भीग जाएगा, इतना बारिश हो रही है। जो कि पानी इसमें आप देख सकते हो डाले में, जो कि एक जो हमारा व्यापारी है जो ये माल मंगाया है कार्टून वाला मशीन वाला था, कि मतलब खाली नहीं करेंगे यार, इतना गुस्सा आ रहा है ना बोलो मत। तो यहाँ पे हम पूरा किचन हो गया यार बारिश में, तीनों तिरपाल मोड़ के रखे थे, फिर तीनों तिरपाल एक तिरपाल पे ये रखे कार्टून, फिर से दूसरा तिरपाल उधर डाल दिए हैं कार्टून रखने के लिए, तीसरा तिरपाल ले आकर रखे हैं कि वो ड्रम निकलेगा तो फिर माल उधर का उधर करेंगे, फिर उधर का ड्रम निकलेगा, मतलब ऊपर का माल उसका था। और उसको फ़ोन लगाया तो उन लोगों ने क्या बोला, बोला कि मतलब 10 बजे आएंगे, 10 बजे के बाद बोला कि 1-1.5 घंटे लगेगा नहाने के लिए, उसके बाद कॉल लगाया तो बोला खा रहे हैं अभी, मतलब उसको नो चांस था। और ये जो ड्रम वाला जो व्यापारी था दोस्तों, वो कॉल पे कॉल कर रहा था कि मेरे को माल आज चाहिए, मेरे को ये हो गया वो हो गया, मतलब कि उधर से। अब सोचे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ले जाके कंपनी में लगा देंगे, थोड़ा माल इधर उधर करके खाली करवा देंगे। लेकिन वहाँ पे ये सारे भी व्यापारी ने क्या किया, मतलब कि ड्रम को एक छोटी सी पिकअप से 5-5 ड्रम को ढो रहा है, मतलब यहाँ से 1 बजे करीब पहुँचे, मतलब 12 बजे पहुँच गए थे दोस्तों, 12 बजे करीब पहुँचे। और 12 बजे के बाद पहुँचने के बाद दोस्तों ये बोल रहा था कि अब गाड़ी गई दूसरी जगह, मतलब 1 बजे से खाली करने का 2 घंटे तो यहाँ पर बैठा है हमें, 1 घंटे से 1 बजे से 1.5 बजे से खाली करने को लगाया और अभी तक खाली कर रहा है। 4:30 हो गया है, पूरा बादल सब से घिर चुके हैं और अंधेरा भी होने वाला है, मतलब कि आज तो वो व्यापारी जो था वो कार्टून वाला, वो बोल रहा है कि आज खाली ही नहीं करेंगे। क्या सीन है भाई, मुसीबत पे मुसीबत हम पे ही क्यों टूट पड़ती है हमेशा की तरह यार। आप बोलते हो कि रोते ही रहते भाई, ऐसी सिचुएशन में कोई बोलेगा भाई, घर पे आए हुए हम, यहाँ से 100 किलोमीटर हमारा घर है, तो वहाँ से हम जाके आज आराम से कल घर पे होते यार, लेकिन अब कल नहीं हो जा पाएंगे, परसों जा पाएंगे, ऐसा सीन है भाई। बताओ आप ऐसे व्यापारी लोगों को यार चप्पल उठा के मारा चाहिए, लेकिन हम लोकल आदमी नहीं ना भाई, हम लोग दूर के हैं इसके लिए दिक्कत हो रही है, नहीं तो बोलिएगा ही मत। मतलब हमारे एरिया में तो ट्रांसपोर्टर से भी बात किए तो उन्होंने भी बात किया उससे, तो व्यापारी बोल रहा है कि हम माल नहीं खाली करेंगे आज, मतलब जगह नहीं है। वे ये सीधे बोल देना चाहिए था ना भाई, हम आप घर पे आज होते, क्यों फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे लोग। ये जो कार्टून वाला दोस्तों था ऐसा सोया हुआ था, मतलब इसको चाहिए नहीं था माल नहीं चाहिए तो मंगाए ही क्यों यार। अब ऐसा क्वेश्चन उनसे जाके कोई 2 तबड़ा देना तो दिमाग उस पर आ जाएगा यार, क्या बोले आपसे।
मतलब कि जब पेट भरा रहता है भाई ना, तो जो अच्छा भी खाना रहता है वो ख़राब लगने लगता है, वैसे ही सीन है यहाँ पे। साला इतना गिजन हो रहा है ना भाई, अपने से कार्टून भी पूरा खाली करो और फिर से इधर का उधर करके फिर तिरपाल लगाओ, फिर बारिश को पानी को रोको, फिर से यो जो अपना कार्टून है फिर इधर करो, फिर ड्रम खाली करवाओ, ऐसा सिचुएशन। अब उतना दूर से आए थक के कौन समझेगा भाई। आप लोग बोलते हो कि हमेशा रोते ही रहते, भाई ऐसे सिचुएशन में रोना ही आएगा भाई, हंसना नहीं आएगा, और मैं दिखाया नहीं करूँगा, मतलब कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, यही सीन रहता है भाई। मैं दिखावा करता ही नहीं हूँ हमेशा, जो अंदर है वही बताता हूँ भाई। दिखावा करने से क्या मिलता है, कुछ नहीं। आप लोग भी धोखे में रहोगे, हम भी धोखे में रहेंगे। उसका दुकान सोचिए यार, उसका गोडाउन है, उसको मतलब दुकान है यहाँ का, तो दुकान तो भाई यहाँ जो आपके एरिया की बात कर रहा हूँ भाई, 6 से 7 बजे रात को दुकानें यहाँ पे बंद होती है, वो साला 3 बजे बंद करके भाग गया। सोचो हर आदमी यार बिहार में ही होते हैं यार, हमारे इससे तो अच्छा ये जो बिहार राज्य है हमारा, इससे तो अच्छा गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे कम से कम ऐसा तो नहीं लोग करते हैं यार। ये भी व्यापारी जो है कम नहीं है यार, मतलब इसको इसके गोडाउन पे जाने के लिए सोचो भाई रास्ता नहीं है, एक छोटा सा टेम्पल लगाया है, 5 ड्रम उसमें अट रहे हैं, 5-5 करके ले जा रहा है और आधे आधे घंटे पर एक बार आ रहा है। ये सब परेशानी मैं दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, क्योंकि ड्राइवर लाइन थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए आप लोग, क्योंकि भाई ड्राइवर लाइन में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं यार, व्यापारी लोग हो गए, लेबर लोग हो गए, सबको हमसे ही मतलब नफरत होती है यार।